अब की बार जो सबसे बड़ा रेस्क्यू है उसका नाम है हडिम्बा। उससे मिलवाने से पहले मुझे पहले बेडी जी को रस्ते से हटाना पड़ेगा। हडिम्बा के बारे में हमें वंश जी ने धर्मशाला से कॉल किया। इसको बहुत बड़ा मैगेट वुंड है, ये खुद भी बहुत बड़ी है। वंश जी ने ही साथ में हमें एक पपी के बारे में बताया जिसके पेट पे किसी और बड़े डॉग ने शायद काट लिया है। मैंने आपको लाइव पे ये दिखाई थी पर इसका नाम नहीं बताया था। इसका नाम है बबली। बबली ठीक होने के बाद अडॉप्टेबल्स में जाएगी और आप इसको आके अडॉप्ट कर सकते हैं। एक और बेबी एनिमल जो हमारे परिवार के साथ जुड़ा है हाल ही में, उसका नाम है चूचू। हमें नहीं पता वो चूचू मेल है या फीमेल है। और ये लुधियाना से यहाँ पे आई है, इसको सुमिता जी लेके आई है। मैंने ये तो सुना था लोग दूर दूर चिकन खाने जाते हैं पर अब ये चिकन बचाने भी इतनी दूर को आएगा ये मेरे को अंदाज़ा नहीं था। उनके पड़ोसियों के बच्चे ने छोटे छोटे रंगीन चूजे खरीद लिए शौक शौक में। लोग शायद ये नहीं याद रखते कि भाई परिवर्तन प्रकृति का नियम है और चूज़ों ने तो बड़ा होना है। उसमें से 3 चूज़े मर गए जो जब ये एक बड़ी हुई तो उनको था कि इसको फेंक दें। सुमिता जी को जब पता लगा तो वो इसको घर ले आई। पर कुछ टाइम बाद उनको एक पपी मिला, फिर उन्होंने उस पपी को भी अडॉप्ट कर लिया। अब हुआ ये कि चूचू और उस पपी की बनती नहीं तो फिर वो उसको यहाँ पे पीपल फार्म लेके आए हैं। फिर पिछले हफ्ते जिस डॉग के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो भाली से आया, उसको मैगेट वुंड है, उसका नाम हमने आप लोगों के सजेशन के हिसाब से बैटमैन रखा है। इस हफ्ते जो 2 और रेस्क्यूज आए हैं जिनके नामकरण में हमें आपकी मदद चाहिए, उनमें से एक है नगरोटा से। इसको तान्या जी ने भेजा है, इसका हमने एक्सरे करा दिया है लेकिन इसके रिजल्ट्स की हम वेट कर रहे हैं। या तो इसको डिसलोकेशन है या शायद फ्रैक्चर है। उसके अलावा ये जो एक और रेस्क्यू है ये हमारे गांव के बाहर ही हमने पकड़ा। इसको हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे। बाई चांस मैं और मोनू भैया बाहर इंटरनेट की वायरिंग करा रहे थे जब ये बड़ी स्पीड से वहाँ से निकल रहा था तो मैं इसको रोकने में लग गया। मोनू भैया साहिल को लेके आए और साहिल ने इसको पकड़ लिया। अब ये रोज़ आधी रात के बाद रो रो के हमें जगाता है तो प्लीज़ इसका नाम जब आप रखेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ रेस्क्यूज ऐसे भी हुए जिन्हें हम नहीं बचा पाए पर उनको लाने से पहले भी हमें पता ही था कि हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। विजय जी ने धर्मशाला से हमें एक ऐसे बैल के बारे में फ़ोन किया जो कुछ हाइट से गिर गया था, उसका जबड़ा फ्रैक्चर हो गया था, उसके इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह रप्चर हो गए थे, यहाँ तक कि उसके मुंह से गोबर आ रहा था। तो उसको तो हम यहाँ पे इसलिए ले आए कि भाई अपने आखिरी क्षणों में वो कम से कम पेन किलर्स पे रह सके क्योंकि ना तो वो खा सकता था ना पी सकता था। इसके अलावा जो एक और बछड़ा हम लाए वो लाए 50 किलोमीटर दूर ज्वाली से। उसका भी 1 महीने से पैर टूटा हुआ था और वहाँ पर जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। तो जिन्होंने इसका रेस्क्यू कर रखा था वो बहुत ज़्यादा हताश हो गए कि मैं 1 महीने से इतनी हेल्प कर रहा हूँ और ना कोई रिजल्ट आ रहा है ना मेरी मदद करने के लिए कोई आगे आ रहा है। तो इसलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम चिंटू को यहाँ ले आए। हमने चिंटू को यहाँ पे स्प्लिंट कर दिया, उसको प्लस्तर भी करा दिया पर क्योंकि चोट इतनी पुरानी थी हमें पता था कि ये इन्फेक्शन के कारण बचेगा नहीं। अब देखिए क्योंकि हम एक अस्पताल हैं और यहाँ पर जो भी जानवर आता है अपने साथ नई बीमारियां लेके आता है तो जो जानवर यहाँ पे ज़्यादा दिन होते हैं उनके इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। सलोनी का यहाँ पे इलाज चल रहा था, सलोनी लगभग ठीक थी लेकिन हम उसको फिर भी छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि उसकी चोट जो है अभी कच्ची थी और उसमें मैगट्स पड़ सकते थे। लेकिन उसको भी यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, उसका पहले टेम्प गिर गया फिर उसका टेम्प बढ़ गया और होते होते उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसको भी हम बचाने में नाकामयाब रहे। ऐसे ही इन्फेक्शन डॉग्स में भी फैल रहे हैं। छुई मुई जो बिल्कुल ठीक हो गई थी उसके स्टिचेस भी निकल चुके थे और हम अडॉप्टेबल्स में उसको मूव करने वाले थे, अब उसने आज सुबह से खाना नहीं खाया है। इससे और ज़्यादा हालत ख़राब लिलीपुट की है जिसने ना तो खाना खाया है और उसने बल्कि उल्टी भी करी है। एक तो जो ठंड का मौसम है इसमें ये सब वैसे ही बढ़ जाता है, ऊपर से इन्फेक्शंस। तो इसी के चलते हमने डार्क चॉकलेट और अमूल दोनों को पीछे रेजिडेंट काउ शेड में शिफ्ट कर दिया है जहाँ पे सिर्फ हेल्दी एनिमल्स होते हैं। इस हफ्ते जो मेजर सर्जरी रही वो थी अहिल्या की। अहिल्या आपको याद होगा जब गौसदन से आई थी तो इसका पैर सड़ के गिर चुका था। अब जब हमने राजस्थान में एक डॉक्टर साहब से बात की
कि इसका प्रोस्थेटिक लग सके, तो उन्होंने कहा कि भाई एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के लिए उन्हें यहाँ पे आना पड़ेगा और वो कोरोना के चलते नहीं आ सकते, तो बेहतर ये रहेगा कि इसकी सर्जरी ऐसे करें कि स्टंप ना छोड़ा जाए, नहीं तो उस पर चोट लगती रहेगी। तो हमने इसकी सर्जरी ऊपर से करी। उसके बाद हमारी जयपुर के डॉक्टर माथुर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि भाई हम कोशिश करके देख सकते हैं कि मेजरमेंट्स आप यहाँ पे भेज दें, भाई आपके पास आगे कल को कोई और केस आता है तो उसकी एम्पुटेशन में इस हिसाब से करेंगे कि स्टंप छोड़े और उसमें ताकि नकली पैर लग सके। लेकिन उसमें रिस्क ये है कि हमने यहाँ से मेजरमेंट्स भेजी, अब क्योंकि ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं ले रहे तो ये भी हो सकता है कि जो प्रोस्थेटिक है वो ठीक ना बने, और ठीक ना बना तो उसी जानवर की दोबारा स्टंप रिमूव करने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। अब ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा। अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। आपको याद होगा देवदास यहाँ पे आया था जिसके इलाज की फंडिंग हमारी प्रोडक्ट्स टीम ने हूप आर्ट बेच के करी थी, उसका पैर पूरी तरह ठीक हो गया और वो लदवाड़ा में रिलीज हो गया। इसके अलावा जो दो एनिमल पूरी तरह हील हो गए हैं वो है बिल्लो, और बिल्लो भी अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है, और चितकबरा, चितकबरा भी हील हो गया है और अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो भी वापस सड़क पे रिलीज होगा। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि हमारी प्रोडक्ट्स टीम कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, तो पिछले हफ्ते उन्होंने बॉडी बटर लॉन्च किया, तो अगर आपको ऐसे मक्खन में इंटरेस्ट है भाई जिसे आप खा नहीं सकते लगा सकते हैं, तो प्लीज़ पीपल फार्म प्रोडक्ट्स के पेज पे उनको चेक करिएगा और वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आज उनका एक और प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। ओके बेबी, चलो बेबी।